ओके, हम लोग इस समय पुलित्जर फाउंडेशन ऑफ आर्ट्स में हैं। ये वही पुलित्जर है जिनके नाम पे पुलित्जर प्राइज भी दिया जाता है, और सेंट लुइस में उन्होंने एक बहुत बड़ा फाउंडेशन क्रिएट किया है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये वाला, ये एक आर्टवर्क है जिसको बनाया रिचर्ड सेरा ने, और इस आर्टवर्क का नाम है जो। अब आप पूछेंगे जो कौन थे, तो जो पुलित्जर साहब का ही नाम था, और उनकी पत्नी ने इस आर्टवर्क को फंड किया था। तो ये दिखाते हैं, ये आर्टवर्क बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जो आप देख रहे हैं पूरा स्टील है, हेवी, तीन पार्ट में ये आर्टवर्क बना था। और अब मैं इसको, आप इसके अंदर चलते हैं तो आप देख पाएंगे कितना ये, इसकी अजीब सी फीलिंग है असल में देखने में। नीचे से देखते हैं और अब आप इसके अंदर, इसे सुरंग जैसी फीलिंग है। अब आप देखते जाइए यहाँ, ये The artist makes drawings and small models and sends it to Berlin, Germany for them to make these steel walls. ये ऊपर आसमान है आप जो देख रहे हैं ना, और ये जो आर्टिस्ट है इन्होंने मॉडल बना के जर्मनी भेजा था इस आर्टवर्क का, और वहाँ पे बन के और ट्रांसपोर्ट हुआ समंदर के ज़रिए, क्योंकि ये इतना भारी था कि किसी और तरीके से आ नहीं सकता था। ये देखिए आवाज़ इको होने लगी यहाँ पे, तो उन्होंने भेजा समंदर के ज़रिए आया, और फिर मिसिसिपी नदी में जो सेंट लुइस से होके गुजरती है वहाँ के ज़रिए ये आर्टवर्क यहाँ पहुँचा सेंट लुइस, और फिर ये इंस्टॉल हुआ पुलित्जर फाउंडेशन ऑफ आर्ट्स में। अभी हम सेंटर में पहुंच गए हैं, ये समझिए कि ये सेंटर है आर्टवर्क का। तो ऐसे आप पूरा देख लेते हैं, ये नीचे का एरिया, तीन पीसेस है ना यहाँ के, हर जो ये, जैसे मान लीजिए ये जो स्टील का जो इतना बड़ा आप देख रहे हैं ना, तीन पीस है, एक पीस यहाँ खत्म हो जाएगा। They're all curved, so some curve in, some curve out. It's not a straight wall that it would just stand on its own. और मजेदार बात, अभी गैलरी वाले ने बताई कि तीन बार बिजली गिर चुकी है। Yes. तो जब भी बारिश होती है, बिजली चमकती है, तो गैलरी के लोग अंदर घुस जाते हैं। तो ये रहा रिचर्ड सेरा का, सेरा, रिचर्ड सेरा का आर्टवर्क जो।